महीने बाद चुनाव में जाना है, इस ढंग से क्षेत्र की जनता हमें कैसे वोट देगी। मैं हर हाल में जनता के साथ हूँ, चाहे मैं विधायक रहूँ या ना रहूँ, मगर अपनी जनता के साथ खड़ा रहूँगा। रोड से निकलता हूँ, इस समय मैं यहाँ साइड पे खड़ा हूँ। पिछले 8 महीने से, 7 महीने से, लगभग कितने महीने से पुलिया बन रही है, लगभग गाँव वाले बता रहे हैं 100 वर्ष हो गया, लेकिन 7-8-9 महीने हो गए होंगे। एक छोटी सी पुलिया नहर विभाग बन रही, लेकिन नहर विभाग की लापरवाही के कारण आवागमन एकदम बाधित है। नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है, मैं हूं अरुणा त्यागी। चुनाव जनता ने जिताया है, मैं पार्टी के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं, ना क्षेत्र की जनता के साथ धोखा कर सकता हूं। ये उन्नाव जिले के भगवंत नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला का है। यूं तो शुक्ला जी सत्ताधारी दल के विधायक हैं, मगर विभागीय अधिकारियों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना मंत्री। ऐसे में विधायक जी करें तो करें क्या। राजनीति में जब सुनने और सुनाने के सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब आखिरी रास्ता बचता है धरना, जो विधायक जी ने चुन लिया। एक पुलिया के निर्माण के लिए विधायक आशुतोष शुक्ला करीब 10 महीने से जूते घिस रहे हैं। अब विधायक टूटी पड़ी पुलिया पर ही धरने पर बैठ गए। रास्ते से गुजरते वक्त निर्माण नहीं होने से विधायक नाराज हो गए और फिर वहीं पर धरने पर धुनी रमा दी। विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। विधायक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि यह पुलिया पिछले 8 महीने से खराब है। 1 माह पहले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार सिंह को फोन पर क्षतिग्रस्त पुलिया को बनवाए जाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अवगत कराया कि यह उनके विभाग में नहीं आती है। 15 दिन बाद दोबारा से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि यह पुलिया हमारे ही विभाग में है। विधायक भगवान नगर उन्नाव से विक्रमपुर गांव जो मार्ग जाता है, उससे 12 सगवर थाने से जो सीधे भगवान नगर के लिए मार्ग जाता है, उस पर खड़े हैं। जब भी मैं इस रोड से निकलता हूँ, इस समय मैं यहाँ साइड पे खड़ा हूँ। पिछले 8 महीने से, 7 महीने से, लगभग कितने महीने से पुलिया बन रही है, लगभग गांव वाले बता रहे हैं 100 वर्ष हो गया, लेकिन 7-8-9 महीने हो गए होंगे। एक छोटी सी पुलिया नहर विभाग बन रही, लेकिन नहर विभाग की लापरवाही के कारण आवागमन एकदम बाधित है। नीचे जरा देखिए, कचरा भरा है। ग्रामीण लोग कैसे आए, गांव के लोग बता रहे हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्थिति क्या है। और एक्सीडेंट महोदय से बराबर मैं कहता हूँ, ये देखिए नीचे देखिए कचरा भरा है। एक्सीडेंट महोदय से मैं बराबर कह रहा हूँ, लेकिन एक्सीडेंट भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक कह रहा, उसकी भी बात नहीं सुनते हैं, तो आखिर बात किसकी सुनेंगे। इस पे उच्च अधिकारियों से मैं बात करूंगा। खैर, ये हाल दस्तूर तो माननीयों का है, आम जनता की हालत असूरत का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। किस कदर ब्यूरोक्रेसी के नकारापन का दंश हर रोज जनता कैसे झेलती होगी।